आप सभी को किसी ना किसी से सच्चा प्यार है, कोई ना कोई आपको सच्चा प्यार करता है। आपकी जिंदगी में सच्चे प्यार की कमी ही नहीं है, जिसको देखो उसको सच्चा प्यार हो रखा है। मैं इतने सारे मैसेजेस डेली पढ़ती रहती हूँ सच्चे प्यार के नाम पर, कि हमारा प्यार सच्चा है, मैं उसे सच्चा प्यार करती हूँ, मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ। ये एक्चुअल में सच्चा प्यार है क्या, जिसके पीछे आप दीवाने हो, जिसका आप दावा करते हो कि मेरा प्यार सच्चा है? सो आज यही जानेंगे कि आप जिसे सच्चा प्यार कह रहे हो वो एग्जैक्टली प्यार ही है, या आप खुद अपने आप को एक धोखे में रखे हुए हो। करेंगे आज इसी बारे में बात। मैं आपको पांच चीजें गिनवाती हूँ, वो पांच चीजें आपके प्यार में होनी ही होनी चाहिए। अगर उन पांच चीजों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो ये मानकर चलिए कि आपका प्यार सच्चा नहीं है, और अगर वो पांचों चीजें हैं तो चांसेस हैं कि आपका प्यार सच्चा है। वो पांचों चीजें क्यों होना जरूरी है मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगी एंड में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान हो जिसको किसी से सच्चा प्यार हो, उसके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। शुरू करती हूँ वीडियो। वो पहली चीज जो आपके प्यार में होनी चाहिए वो ये कि मेक श्योर आप कम से कम 22 या 23 साल के हों, आप इससे कम उम्र के ना हों। दूसरा, आप जिसे सच्चा प्यार कहते हैं, जिसके साथ आप रिश्ते में हैं, उसे आप कम से कम 2 से 3 साल से जानते हों, आपका जो रिश्ता है वो 2 से 3 साल पुराना हो। तीसरा, आपने उसके साथ में बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया हो, आपका रिश्ता सिर्फ इतना ही ना हो कि आपने कॉलिंग पर घंटों बातें की हैं और कभी कभी मिल लिए हैं, आपकी मीटिंग्स कम हुई हैं, सिर्फ बातें ज़्यादा हुई हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी मीटिंग्स ज़्यादा होनी चाहिए, आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, ये ज़रूरी है। फोर्थ, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर अपने बॉयफ्रेंड को इतना जानते हो कि उसका चेहरा पढ़ सके तो आपका प्यार सच्चा है। अगर आप इतना जानते हो उसे जितना आप अपने दोस्त को जानते हो, दोस्त को हम कैसे जानते हैं यार, उसको हमें पता होता है कि हमारा दोस्त कब झूठ बोल रहा है, हमें ये पता होता है कि अगर इसको कोई चीज़ हर्ट हो गई है ना तो अब ये कैसे रिएक्ट करेगा, हमें पता होता है कि आज ये शाम को क्या करेगा, हमें उसकी हर एक चीज़ के बारे में उसके बिना कहे पता होता है, बिना किए पता होता है। हम उसके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, हम उसके माइंड को पढ़ते हैं, हम उसके चेहरे को पढ़ लेते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग होती है दो दोस्तों के बीच। अगर ये अटैचमेंट है, ये अंडरस्टैंडिंग है आपके आपके प्यार के साथ में, तो आपका प्यार सच्चा है, अदरवाइज नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपका जो प्यार है वो सेकेंड है तो आपका प्यार सच्चा है, अदरवाइज नहीं है। अब मैं बताती हूँ ये पाँचों चीज़ें क्यों होनी ज़रूरी हैं एक सच्चे प्यार के लिए। सबसे पहले कि देखिए, 18 की जब आप होते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से हमारे अंदर, हम सभी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं और हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है अपोजिट सेक्स की तरफ। मींस लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, लड़के लड़कियों की तरफ, और ये नेचुरल है, इट हैपन्स विद एवरीवन, ये नेचुरल चीज़ है। और हम 18 की होते होते ही प्यार में गिरने लगते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं होता, वो अट्रैक्शन होता है। 18 के होते ही आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता, वो वक्त के साथ में मिलता है, वो मैच्योरिटी वक्त के साथ में आती है। 18 के होते आप में मैच्योरिटी नहीं आती है। सो कम से कम ये मान के चलिए कि जब तक आप 22-23 साल के नहीं होते, आप में वो मैच्योरिटी नहीं आती जबकि आप प्यार को समझ पाएं। सो आप में वो मैच्योरिटी जो चाहिए एक रिश्ते को संभालने के लिए, एक रिश्ते को फील करने के लिए, किसी इंसान की इंपॉर्टेंस समझने के लिए, वो मैच्योरिटी आपको आते आते आप 22-23 साल के हो जाते हैं। आप 18 में तो यही नहीं समझ पाते कि आपके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप किसी और को क्या समझेंगे, आपको खुद को नहीं समझ में आता कि आपका खुद का नेचर कैसा है, आप सामने वाले को क्या समझेंगे। दूसरा, देखिए दोस्तों, जब तक आप किसी को जानते नहीं हैं आप उसको प्यार नहीं कर सकते, इस चीज़ को समझ लीजिए। क्योंकि बिना जाने सिर्फ अट्रैक्शन ही हो सकता है। प्यार का मतलब ये होता है कि आपको उसकी खूबियों से तो प्यार है, उसकी कमियां भी आपको उतनी ही अच्छी लगती हैं। और ये डीप फीलिंग तब आती है जब आप सामने वाले की अच्छी और बुरी चीज़ें सारी जान लेते हो। ये डीप फीलिंग तब आती है जब आप सामने वाले को उतना जान लेते हो जितना खुद को। ये डीप फीलिंग तब आती है जब आपका रिश्ता बहुत पुराना हो जाता है और जब गहरा हो जाता है, उससे पहले ये फीलिंग नहीं आती है। और लास्ट में मैंने जो कहा था कि आपका जो प्यार है वो सेकंड होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जो पहला प्यार होता है वो आपकी इमेच्योरिटी की निशानी होता है। पहला प्यार हम सभी को हुआ है अपने कॉलेज टाइम पे, अपने स्कूल टाइम पे, लेकिन जब एक इंसान की एज बढ़ती है, वो लाइफ में और एक्सपीरियंसेस गेन करता है, तो उसका वो पहला प्यार बहुत छोटा होता जाता है। और फिर उस इंसान को समझ में आता है कि जो उसका पहला प्यार था वो एक्चुअल में फन था, इमेच्योरिटी थी, मजाक था, हंसी था, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था।
आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान हो जिस पे आप बिलीव करते हो, जो आपसे बड़ा हो, जिससे आप बातें कर लेते हो, उससे एक बार पूछ के देखिए कि अगर उसको कभी किसी से पहला प्यार हुआ था तो उसका एक्सपीरियंस क्या था। वो सच में उसके बारे में हंसकर आपको बता देगा, अपने ऊपर हंसेगा, उस इंसान के ऊपर हंसेगा। और इट हैपन्स विद एवरीवन, क्योंकि वो मेच्योरिटी का प्यार नहीं होता। और इंसान में मेच्योरिटी एक बार ठोकर खाकर ही आती है। इंसान को सच्चा प्यार तभी होता है जब एक बार वो ठोकर खा लेता है अपने इमेच्योर लव में, तब उसको सेकेंड टाइम प्यार होता है, जो एग्जैक्टली वो थोड़ा डीप फील कर पाता है, डीप समझ पाता है, वो समझ पाता है कि प्यार की वैल्यू क्या है, वो सेकेंड टाइम ही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन में साथ रहते हैं, कॉलेज टाइम पे साथ रहते हैं, फिर जब जॉब करते हैं साथ में रहते हैं, उसके बाद शादी कर लेते हैं, तो उनका पहला प्यार तो है, लेकिन आप ये रिश्ता भी समझिए कि जो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तो उनमें डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, उनमें अटैचमेंट कितना होगा, उनमें कितनी सारी चीज़ें होंगी एक दूसरे के लिए जो एक फैमिली में होती हैं, तो उनकी बात अलग है। लेकिन आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, अचानक किसी से मिले और आपको सच्चा प्यार हो गया, ऐसा नहीं होता। सो जब आप 20-21 साल के होते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब नहीं करते, कुछ जानते पहचानते नहीं हो, आपने दुनिया नहीं देखी, उस टाइम पर आप किसी लड़का या लड़की को खड़ा कर देते हो फैमिली के आगे कि मुझे इससे सच्चा प्यार है, मुझे शादी करनी है, और फिर आप फैमिली से उम्मीद करते हो कि फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपका प्यार समझेगी। सो फैमिली इतनी पागल नहीं है, फैमिली को पता है, उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, उनको पता है ये सब पागलपन है, और उस टाइम पर वो बिल्कुल सही होते हैं कि वो सच में पागलपन है। तो फैमिली को हर वक्त ब्लेम करना ठीक नहीं है, फैमिली नहीं समझती, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो कभी कभी आपको ज़रूरत है अपने आप को एग्जामिन करने की, अपने आप को समझने की, ये समझने की कि आप सही हो या नहीं हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरा नाम है उषा कुशवाहा, आप देख रहे थे दिल टॉक।